वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने कुशालपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा कर अपना जनसंपर्क शुरू किया। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनील सोनी ने घरों और दुकानों में पहुंचकर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान लोग उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए नजर आए। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए शंखनाद शुरू हो गया है और आज बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुनील सोनी उन्हें मां दंतेश्वरी मंदिर से अपने पूजा करके जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। देख सकते हैं सुनील सोनी लगातार पैदल जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और इस तरह से बीजेपी के एक बड़ा जनसंपर्क अभियान है। सुनील सोनी जी ने शुरू की थी, हमारे सीधा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। माता का दर्शन करके जो है आज कार्यकर्ताओं के साथ में स्वागत किया और इस विधानसभा को हमारी सब कार्यकर्ताओं ने जनता ने लगातार जिताया। क्या मुद्दे की किस आधार पर लोगों के बीच देख रहे सकते हैं लगातार मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, राज्य के सभी लोगों से और क्या मुद्दे रहेंगे विकास। मोदी जी का केंद्र की योजना और राज्य की योजना, ये सभी योजनाओं का लोगों को लाभ मिले इसका प्रयास करूंगा और बृजमोहन जी के साथ मिलकर एक विकास के नए आयाम गढ़ेंगे। और कांग्रेस एक आरोप लगा रही आप पर, कांग्रेस एक आरोप लगा रही आप पर कि सांसद रहे। मैं जारी करने वाला हूँ, देख लेंगे दर्जनों का, लेकिन आंख खोल के देखेंगे। इस अभियान की शुरुआत हुई है और तमाम जो कार्यकर्ता है और बड़ी लंबी रैली देख सकते हैं, इस तरह से लंबी रैली के माध्यम से जनसंपर्क यहाँ शुरुआत हुई है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के मां दंतेश्वरी मंदिर से इसकी शुरुआत हुई है। कुशालपुर संतोषी चौक कुशालपुर के माध्यम से होते हुए पूरे जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जो जगह है वहाँ पर जाएंगे। बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। एक लंबी रैली जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं सुनील सोनी। इस तरह से बीजेपी का जो चुनाव अभियान है उसका जो शुरुआत हो चुका है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक इस तरह की रैली की अपनी शुरुआत कर पाती है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।